नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम, आप देख रहे हैं फ्लेक्सिटिक्स। दोस्तों हम लोग फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। यहाँ हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रहे होंगे लाइट्स को लेकर, और यहाँ जो वीडियो की क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया मैंने, क्योंकि मैं अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ यूट्यूब पे। यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों आखिर हमारी जो वेबसाइट है रैंक नहीं करती है गूगल में, आखिर इसकी क्या रीजन है। हम लोगों ने SEO कर लिया है, बैकलिंक कर लिया है, डेली अपडेट कर रहे हैं वेबसाइट को, थोड़े थोड़े विजिटर्स आ रहे हैं, 20, 25, 100, 200, और हमारा एडसेंस अप्रूव हो चुका है, हमारे पोस्ट की क्वालिटी अच्छी है। हम देख रहे हैं कि जो वेबसाइट रैंक कर रही है उससे ज्यादा जो है हमारी वेबसाइट के पोस्ट अच्छे है, तो भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। ये भी कर लिया है हमने, भगवान से विनती कर ली है, भाई रैंक कर दो, फिर भी रैंक नहीं कर रही, तो आखिर क्या रीजन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे बेसिक छोटे छोटे रीजंस जिसके कारण हमारी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। तो उनमें से एक बेसिक रीजन ये है कि हमारे वेबसाइट को रैंक करने के लिए होस्टिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा, क्योंकि एग्जांपल के बिना मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यूजर को इतनी जल्दी नहीं समझ में आता है, ये बात मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो ये है कि हम लोगों ने एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बंगला बनाया है हमने, लेकिन वो बना एक झोपड़पट्टी में है। तो आप कितना भी स्टैंडर्ड मेंटेन करो, आप कितना भी अमीरी दिखाओ, आप असल में हो तो एक झोपड़पट्टी में ही। वो बंगले वाला इंसान हमेशा झोपड़पट्टी में ही रहेगा, आसपास का एरिया हमेशा गंदा होगा। तो यही चीज होती है, अगर आप वेबसाइट कितनी भी अच्छी बना लो, कितना भी अच्छा कंटेंट रख लो उसमें, आप बहुत बढ़िया डिजाइन दे दो, महंगे महंगे SEO करवा लो, लेकिन आप हो तो एक बेकार होस्टिंग में, आपकी वेबसाइट की स्पीड मैटर करती है आपको गूगल में रैंक करवाने के लिए। अगर आप रियल में वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट की स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आपकी मैक्स टू मैक्स स्पीड जो है 1 सेकंड से 2 सेकंड तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं। अब मैं आपको देता हूँ रीजन क्यों 1 से 2 सेकंड की स्पीड होनी चाहिए अगर हम गूगल में रैंक करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, गूगल क्रॉल करता है सारी वेबसाइट को, सारा वेबसाइट का डेटा साइट मैप के थ्रू अपडेट करता है, और उसे वो ज्यादा देर नहीं देता है, हर वेबसाइट को जस्ट सेकंड में स्क्रॉल करके वो ले लेता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 3, 4, 5 सेकंड ले रही है लोड 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 लेने के लिए, तो वेबसाइट को छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट को टाइम दे और वहां रुके और आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके ही आगे बढ़े, वो छोड़ देगा। और ना कि आप गूगल वाले के दामाद हो कि वो अपने दामाद जी के लिए रुकेगा, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को अपनी वेबसाइट की होस्टिंग सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए कि जिस जगह पे आपने वेबसाइट बनाई है क्या वो बेस्ट है, और अगर वो बेस्ट है तो उसे स्पीड पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने जो थीम ली है क्या वो जल्दी खुल रही है। ज्यादा डिजाइनिंग, ज्यादा फालतू की चीज रखी कोई मतलब नहीं, आपको अपनी वेबसाइट सिंपल स्टडी और सबसे बेस्ट रखनी है, उसका कंटेंट सबसे अच्छा होना चाहिए, तो ही यूजर आपके इसमें आएगा। तो इस चीज पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि होस्टिंग क्यों मदद करती है। तो आपको होस्टिंग सबसे अच्छी मेंटेन करके रखनी है, और अच्छी होस्टिंग ही आपको एक अच्छा वेबसाइट में रैंक करवा के दे सकती है गूगल में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके सजेशंस और आपके जो आइडियाज हैं मुझे कमेंट जरूर करें, और बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या देखना पसंद करते हैं या क्या किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, और मैं आपको दूंगा उसको डिटेल में जानकारी। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ सबसे बेस्ट वीडियोस आने वाले टाइम पर। तो याद से सब्सक्राइब जरूर करें, और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, तो याद से सब्सक्राइब करें। And thanks for watching this video and keep smiling.